ते गए पर चस बड़ी आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है जुम्मे का दिन, आप सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो आपको और मेरी तरफ से भी। अभी हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने सारे मिलके, तो उसके बाद आके हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज क्या क्या होता है। आज छुट्टी है, जेबी को भी छुट्टी है और ये भी घर ही है, तो आज देखते हैं हम सारा दिन क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइस मेरी बाइक कितनी चप चप कर रही है। हे गाइस, गाड़ी में बैठे डक के जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए मस्जिद में। थोड़ा सा ऊंचे बोलो, क्यों मुझे जाग, मैं जाग रहा हूँ, जगने की कोई बात नहीं। ऊंचे बोलो, कितना खूबसूरत मशकीज़ा बना हुआ, कितना वाटर होता है। मस्जिद के अंदर इन्होंने मोर भी रखे हुए, इतने खूबसूरत से। हमने भी घर में रखे हुए थे मोर, बहुत प्यारे हैं। ये देखो ना, एक बड़ी है, मोर नहीं है, एक बच्चा है उसका। हाँ, मैं पाक को एक दुआ मांगी काई वास्ते, मेरा बैल आ गई सामने ला। गाइस हमने जुम्मा पढ़ लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। हमने आज नाश्ता भी नहीं किया था हम। और गाइस मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी तो गर्मी लग रही है हमें। सो अभी हम आए हैं ऑफिस, इन्होंने ऑफिस में कोई काम था, कोई भाई ने कुछ चीज़ इधर से लेनी थी, वो ऑफिस में भूल गए थे कल। और अब हमने लेना है ब्रेकफास्ट लेना है। देखिए भाई गए हैं ATM पे, तो हम ये खड़े हैं मोहम्मद निहारी के सामने। भाई कह रहे हैं हमने निहारी लेनी है। नहीं, निहारी तो हमारे से कोई भी नहीं खाता, कोई और चीज़ लेंगे। अच्छा निहारी आपने लेनी है, अच्छा बिलाल भाई के दिल है मैं निहारी लूँ, तो आप देखते हैं। पर लेकिन मैं ऐसी चीज़ नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ थोड़ा सा, तो देखते हैं अब हम क्या लेते हैं, क्योंकि आज हम उठे लेट थे असल बात है, नहीं तो आगे तो हम जब आते हैं तो हम नाश्ता करके ही आते हैं, लेकिन आज ना थोड़ी सी टाइमिंग डिफरेंट होगी हमारी, मैच नहीं की तो इस वजह से आज हमारा नाश्ता रहेगा। तभी हम नाश्ता करने जाएंगे घर ही, तो यहाँ से कुछ चीज़ ले जाएंगे, घर जाके करेंगे। अब दो हो गए तकरीबन। सो गाइज अभी हमने नाश्ता लेना था, तो इस वजह से हम डबल एच एने वाले के पास आए हैं। गाइज को दिखाओ सामने होटल, बिलाल दिखाओ नाश्ता, देख लिया है। अच्छा वो देखो बकाया पैसे लेके आ रहे हैं। सो गाइस हम घर आ चुके हैं। बिलाल पे चाबी आपने कहाँ रखी थी जे उतना ना होई है, सांस में तेरे सांस में सांस मिली सोना है ना। सरकार कह रहे हैं थोड़ा आगे कर दे भाई, गाड़ी खुदा का नाम बत्ती क्यों बालेंगे, लाइट तो नहीं गई चली, बस आने वाली है लाइट, आने वाली है वीडियो में ये बड़ी चवलम आता है, इसको लगने वाली है। गाइस अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अब मैं और जेबी जा रहे हैं, जेबी ने अपना मोबाइल ठीक करवाना है, तो हम बैरिया जा रहे हैं। जेबी बाइक पे बैठ गया है ना, चलो चलो। गाइज अभी हम बैरिया पहुंच गए, हमने मोबाइल दे दिया ठीक होने के लिए, उस पर चिख लो मोबाइल हम ठीक होने के लिए दे दिया, और उसने कहा एक दो घंटे का टाइम। हमने कहा अगर हम दो घंटे घर जाएंगे तो हम जलील हो जाएंगे, अल्लाह का ज़ाया होगा, और इसलिए हम यहाँ पर ही बैठ गए। हम सफारी में आ गए, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि ना दो घंटे का टाइम पूरा हो जाए। एक गाइज को दिखाओ ये सामने जो कुर्तबा मस्जिद, ये देखें गाइज कुर्तबा मस्जिद बनाई हुई है कुछ है लड़की। तो अभी हम एक दफ़ा उसके पास गए थे, उसने अभी भी कहा है ने आपको दो घंटे का टाइम दिया था और आपने जल्दी आ गए। हाँ, और हमने उसे बोला है कि हमें आधे घंटे में करके दो। हाँ, और उसके भी हमें चाहिए, मुझे लगता है उसके पास सामान भी नहीं था ना। हाँ, कहीं और से मंगवा रहा, कहीं और से मंगवा रहा, ऐसे ही करते हैं ये छोटी दुकान है जो छोटी तो ना ही, वैसे इतनी भी बड़ी कोई नहीं, पैसे तो बढ़िया ले लें। हाँ, पैसे तो इंजी लेते हैं लुटेरे जो है। गाइस हमारा अभी टाइम नहीं गुजर रहा, बहुत ज़्यादा थक गए हैं इधर उधर घूम घूम के। हम अपने साथ ये कपड़े भी लेके आए हुए थे, इनके साथ लेसेस मैच की हैं, कुछ हुए हैं और कुछ नहीं हुई, इतना सुकून है कई जगह पे, और है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा वो लोग आए हुए हैं दूर दराज से फ़ोटो चिकाने के लिए। मैंने जेबी को कहा तुम भी फ़ोटो बनवा लो, पर जेबी कह रहा है मेरा दिल नहीं कर रहा आज फ़ोटो बनवाने का।
भाई मेरा मोबाइल ठीक होगा तो फिर मैं सबसे पहले कह रहा है जय मेरा मोबाइल ठीक होगा मैं यहाँ पर आके फोटो बनवाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। नहीं आज हमारे से वेट नहीं हो रहा था, हमने वहाँ से कॉर्नेटो लिया और हम साथ में यहाँ पर हम देखने आए हैं ब्लैक बर्क। ब्लैक था कोई ना, हमें ना ही दिखता है ब्लैक बर्क है, इसको कहते हैं हिरन। डिंगस सिंगाल हिरन बारह सिंगा बारह नहीं बारह ट्वेल्थ उदय सिंह बारह ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਕਵਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਾਇਸ ਜੀ ਦੇਖਣ ਟਿੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਟਿੱਚਾ ਆ ਜਾਓ ਗਾਇਸ ਜੀ ਦੇਖੇ ਇਹ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਇਸ ਜੀ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ हाँ देखो कलरफुल सी है बहुत अच्छी है इसको उठा ले ये देखिए गाइस स्पॉटेड डिनर डियर आ गए थिमको वाले डियर कितने प्यारे हैं ये माशाल्लाह से है ना जेबी ये गाइस देखें इतना प्यारा जूम करो जूम है यहाँ ये क्या है लायन है असल गोश्त पैवन है हाँ क्यों नहीं रहा बस भाई आज ये देखे ऑस्ट्रिच आ गया कितना हाय चाल ही मार मैंने गाज ये देखे यहाँ पर मोर भी है आज हमने सुबह मस्जिद में मोर देखे थे यहाँ पर मोर देख रहे हैं वो सामने क्या है बारह सिंह है टीचे इन्होंने टीचे बहुत ज़्यादा रखी हुई गाज आज इधर आ गई पार्क में घूमने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर स्मेल है बहुत ज़्यादा स्मेल है पब्लिक वॉशरूम भी है इधर किधर है सो गाइस हम घर आ गए थे मोबाइल लेके मोबाइल ठीक हो गया दो घंटे पूरे लगे हम दो घंटे हमने बहुत अच्छे से गुजारे बहुत मज़ा आया हमने पार्क देख लिया था और वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अभी मैं फिलहाल परेशान क्यों खर्चा हो गया खर्चा हो गया 8,500 रुपये लग गया बहुत ज़्यादा जेबी का खर्चा हो गया मोबाइल ठीक कराना मैंने इसको कहा था कि नया ले लो इससे अच्छा है पर इसने कहा नहीं मैंने वो ठीक कराना मुझे बहुत पसंद है ये मोबाइल सो गाइस अब रात के 9 बज चुके हैं ओहो 9 बज चुके हैं और हम घर में मौजूद हैं हमारे डिनर का टाइम हो गया है और हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और ये देखे जेबी का फ़ोन सही हो गया और जेबी फ़ोन के अंदर गुस्सा हुआ है हाय गाइस और जेबी बहुत खुश है आप बहुत खुश हैं आज बहुत खुश क्योंकि क्योंकि मेरा फ़ोन ठीक हो गया जब हम फ़ोन हम ठीक करा रहे थे तो थोड़ी देर उन्होंने कहा था हमें 2 घंटे आप वेट करें मैंने आपको सारा दिखाया था उसके बाद जब हम ठीक करा के निकले तो बाद में जेबी ने कहा मैंने बैक कवर भी लेना है मैंने कहा जेबी आप बैक कवर ना लो आगे ऑलरेडी तुम्हारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया लेकिन जेबी ने कहा कि अगर मैं बैक कवर ले कर ना जाऊँ और मेरा मोबाइल क्या होगा इनकम्प्लीट होगा कहता ओ किकन भाई रोलते गए हैं पर चस बढ़िया आया आप से भी दोबारा कहें एक दफा रोलते गए हैं पर चस बढ़िया जिंदगी दी जमा पूंजी तेरे उत्ते लाई रोलते गए हैं पर चस बढ़िया और आपको लाल भाई से मिलाते हैं आज सुबह से लाल भाई से मुलाकात नहीं हुई लाल भाई जब से हम जुमा पढ़ गए आपसे मुलाकात नहीं हुई तो आप कैसे हैं हेलो ठीक ठाक आप क्या है? कैसे हैं मैं जी रोटियां बना रहा हूँ आज हमने बनाए हैं आलू मटर और साथ बनाए गाजर हलवा और अभी हम खाना डिनर करने लगे हैं डिनर करके फिर हम जाएंगे दिखाने आज फिर हम जाएंगे एक सेलिब्रेशन पर तो जैसा कि आपको हमने दिखाया था कि एक सेलिब्रेशन हम रात को करके आए और अब सेलिब्रेशन के लिए हम फिर से जा रहे हैं क्योंकि जो रात वाला हमारा केक था वो पार्ट गया था और अब हम नया केक काटने फिर से जाएंगे और मेरा दिल है कि जेबी को ना ले जाएं क्योंकि रात को भी जेबी ने बहुत ज्यादा केक खाया था और फिर आके बस चलेगा चलो अब हम जब अब रोटी खाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे बाय सो गाइस अभी रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा रात के 10-11 होने वाले हैं ये देखे ये बिलाल पे बैठे हैं और
ओ फ्लैश ऑन कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए। देखिए जेबी के पास अब मोबाइल आ गया, बस जेबी मोबाइल के अंदर से निकल ही नहीं रहा, जब से बैठा हुआ है यहाँ पर ही बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो अभी वैसे मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कुछ कुछ इंटरटेनमेंट देंगे हमें, तो इसलिए ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जरूर शुक्रिया शुक्रिया। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स।